बात कर रहे हैं नए संसद भवन की, जिसका उद्घाटन रविवार को प्रधानमंत्री को करना है। 20 विपक्षी पार्टियां पहले ही इसके बहिष्कार का ऐलान कर चुकी हैं, ये कहकर कि उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। वहीं इस संबंध में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वर की बहन इस मामले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक है, संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का भी अनिवार्य हिस्सा है। और क्या कुछ इस याचिका में कहा गया है और ये जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये याचिका किसकी तरफ से दाखिल की गई है, कितने बजे सुनवाई है और क्या क्या कहा गया इस याचिका में? देखिए, एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के, सीआर गयासुद्दीन, उनकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। आज इस पर सुनवाई होनी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच है। करीब 12 बजे करीब उम्मीद करते हैं कि सुनवाई आएगी। लेकिन ये याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे लोकसभा सचिवालय को और केंद्र सरकार को कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति के हाथ से कराया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों के नेता हैं। जब भी से उनको संसद के दोनों सत्र बुलाने का अधिकार है। इसके अलावा वो उत्सव जो भी बड़े निर्णय लिए जाते हैं सरकार द्वारा, वो राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं और वो देश के प्रथम नागरिक है। इसलिए राष्ट्रपति को इस तरह नए बुलाना उनके लिए सम्मान की बात नहीं है, देश के सम्मान के लिए भी ठीक नहीं है ये। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस तरह के आदेश जारी किए जाए। तो एक अहम सुनवाई मुद्दे पर होनी है। हालांकि कोर्ट को ये देखना है कि क्या वो इस तरह के आदेश जारी कर सकता है कि कौन उद्घाटन करे, क्योंकि यहाँ पर याचिकाकर्ता को ये भी साबित करना होगा कि इसके कौन से मौलिक अधिकार का ये उल्लंघन हो रहा है। तो बहुत इस तरह के कई मामले पहले भी आए हैं ऐसे, हालांकि इस तरह के नहीं आए लेकिन किससे मिलते जुलते मामले आए हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है ये देखने वाली बात है।